बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां युवक ने शौच के बाद अपने शरीर को गड्ढे की पानी से शरीर को साफ करने से नाराज होकर दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बाद युवक को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कोरैया गाँव की है। घायल व्यक्ति की पहचान टिक्कू महतो के पुत्र अशोक महतो के रूप में की गई है। बताया जाता है कि टिंकू महतो ने शौच करने के बाद अपने शरीर को गड्ढे की पानी से साफ कर लिया, इसी से नाराज होकर दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। अशोक महतो का कहना है कि जब शौच करने के बाद अपने शरीर को गड्ढे की पानी से साफ किया तो गांव के ही दबंगों ने कहा कि मेरे गड्ढे की पानी से साफ क्यों किया। इसी बात हम आपत्ति जताए तो दबंगों ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद गढ़पुरा थाने के पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। शाम को 3 बजे कुल्ला करने के लिए कुल्ला करल गेलिए, वएह कलके करके 10 मिनट रुक हम मट्टी फेंक देलिए, कपड़ा उठ जाले घोरलिए, बस तारा पीछा बाल्टी में चला दिल। पप्पू सिंह के बेटा कहे तुम पानी से पंछुआ किया, खद्दा वाला पानी से, पानी से बोल रहा था कि कुल्ला ने कुछ पंछुआ नहीं करो, गैन नहीं दूंगे, वह हम झगड़ा हो गया। अशोक महतो टिक्कू महतो बोल रहे छोड़।